हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला स्टाइल का पेपलम टॉप बनाना। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये टॉप बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और इसे पहले मैंने 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर हम पहले ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लंबाई रखी है 15 इंच और हमें तैयार लेंथ चाहिए 14 इंच, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 7 इंच पर शोल्डर का नाप लगाएंगे और यहाँ पर 6.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर और नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। यहाँ पर हम डार्ट नहीं ले रहे इसलिए मैंने 8 इंच ही रखा है और यहाँ पर 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये बैक पार्ट के लिए है और ये फ्रंट पार्ट के लिए। और यहाँ पर अब हम आर्म होल को मेजर कर लेंगे। तो आर्म होल हमारा 17 इंच, तो यहाँ पर ये 8.5 इंच आना चाहिए जो आ गया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक पार्ट निकाल के हम फ्रंट आर्म होल का भी कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अम्ब्रेला घेर की कटिंग के लिए मैं आपको परफेक्ट मेथड बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको रैंडमली ऐसे कपड़े को किनारे से फोल्ड कर देना है और फिर यहाँ पर आपका जो भी कमर का नाप था उसे यहाँ इस तरह से मेजर करना है। तो वो 8.5 इंच आया है और इसे लंबाई वाइज ये 12 इंच आया है। तो 12 इंच और फिर आपको जितनी भी अम्ब्रेला घेर की लेंथ चाहिए वो ले लेनी है। तो इस तरह से मैंने ये 15 इंच लिया है और ऊपर वाला 12 इंच और इन सबको अभी हमें डबल फोल्ड कर लेना है और फिर से इसे किनारे से ऐसे क्रॉस में मिला देना है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपको परफेक्ट कितना कपड़ा चाहिए अम्ब्रेला बनाने के लिए। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर अब हम ऊपर मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पर कमर के हिसाब से हम इस तरह से क्रॉस में पहले 8.5 इंच को मेजर कर लेंगे, फिर वो जहाँ आ रहा है वहाँ से हमें इस तरह से 12 इंच में पूरी गोलाई में निशान लगाते जाना है। और अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें रखनी है 15 इंच, तो ऊपर से हम इस तरह से इसे लेते हुए हम निशान लगा देंगे। इस तरह से 27 इंच आ रहा है तो ऐसे हमें निशान लगा देना है और फिर यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ ऊपर आपको थोड़ा सिलाई मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये हमारा नीचे का अम्ब्रेला का जो घेर है वो तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है और जो लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर मैं 17 इंच ले रही हूँ। गहराई का निशान लगाना है 3 इंच पर। आर्म होल था हमारा 8.5 इंच, तो इस तरह से क्रॉस में 8.5 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच सिलाई मार्जिन और फिर इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है और नीचे इस तरह से गहराई का शेप ड्रॉ करना है। नीचे आपका जो भी फिटिंग बनता है उसका नाप लगाना है। मैं यहाँ पर 6 इंच पर लगा रही हूँ। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पर मैंने फ्रंट नेक में कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया है, जिसका ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को शोल्डर से ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर स्लीव पर हम इस तरह से इसके कॉन्ट्रास्ट की जो पट्टी है वो अटैच करेंगे। तो इसके नीचे मैंने धोती सलवार बनाई है और उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर स्लीव पर इस तरह से सिंपल सा पैटर्न बना लेना है और फिर स्लीव को टॉप से ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव ज्वाइंट कर ली है और फिटिंग का निशान भी मैंने लगा दिया है। अब आपको यहाँ पर एक साइड से ही पहले फिटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड फिट कर लिया है और एक साइड मैंने खुला रखा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए जो अम्ब्रेला घेर है उसे ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर मिडल का कट लगा देंगे और इसे बराबर हम रखते हुए पहले ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे अम्ब्रेला घेर को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे फिर से उल्टी साइड में करके हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल तरीके से अम्ब्रेला टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।